रीवा से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस को एक और झटका। देवथर के पूर्व जनपद अध्यक्ष व वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य गीता मांझी की एक बार पुनः हुई घर वापसी। रीवा में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कार्यकर्ता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में हुई शामिल। मीडिया से चर्चा के दौरान गीता मांझी द्वारा कहा गया कि उनका उदय ही भाजपा से हुआ है। बता दें कि गीता मांझी तेवथर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी रह चुकी और लंबे समय तक कांग्रेस का दामन थामा हुआ था। सुने क्या कुछ कहा गया गीता मांझी द्वारा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आदमी चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि, जो जनता मतलब चुनाव लड़ रहा है तो एक ही चीज़ सोचता है कि वो जनता की सेवा करे। आज भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के लिए जो एक जो जनहितैषी योजनाएं लेके आ रही है, तो उसमें हम सब जो अभी पंचायती राज में हम रहे हैं, जनपद अध्यक्ष 7 साल रहे हैं और अभी 2 साल समथिंग होने चला जिला पंचायत, तो हम लोगों की सोच यही रही है कि जो शासन की जो योजनाएं हो वो हम लोग हर गांव में पहुंचाएं, हर एक जो उसे जो उसका हकदार है उसे उस गरीब को उसका हक मिले। तो ये चीज़ रहा जो शासन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, जो योजनाएं रही हैं तो हम लोगों ने उसको भरपूर पहुंचाने की कोशिश की। और हम लोगों की सोच जो शासन से रहा है कि जो उनकी सोच है वो हम उनको पहुँचाए, तो जब हम लोगों को काम वही जनसेवा ही है तो हम सोचते हैं कि और अच्छे से हम वो कर सके और उन तक पहुंचा सके, गरीबों को लाभ मिल सके, इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और हम अच्छे से वो जो चाहिए वो हम कर सके। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेन हमारी जो विचारधारा पहले भी रही है, पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, ये मेरे सौभाग्य की बात रही है कि हमारा राजनीतिक उदय ही भारतीय जनता पार्टी में हुआ था और कुछ कारणों बस हो सकता है मेरी ना समझी रही हो जो कुछ दिनों के लिए हम बाहर हो गए थे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वो चीज़ करना चाहिए। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीबों के हित में काम कर रही है, तो हमें इस चीज़ का एहसास है और हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आज। और ऐसा कोई बात नहीं है कि उसमें थे, और मेरी घर वापसी हो रही है, पहले भी थे और आज भी हमारी उसी विचारधारा में, मैंने पहले भी काम किया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़िले में मेरा 12,000 वोटों से ऐसे नहीं जीतता, क्योंकि जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही है कि जनहितैषी काम करना है, सबका साथ सबका विकास हो, उसी विचारधारा में मैंने काम किया, उसी का लाभ हुआ और शासन की योजनाओं को मैंने बखूबी ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने की कोशिश किया, हर एक योजना को मैंने बखूबी निभाया और करवाया, उसको क्रियान्वयन करवाया, और वही उसी सोच के साथ हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।